गाइस टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोग को पता ही चल चुका होगा कि इस वीडियो में हम लोग करने वाले रिवेल टेक्सा पैक पीवीपी वाला वो कि जो कि है 500 सब्सक्राइबर का। और थैंक्स फॉर 500 सब्सक्राइबर। तो वीडियो को सीधा बिगिन करते हैं। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो क्या कर रहे हो यार, वो बिल्कुल फ्री है। जल्दी जाओ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस यहाँ पे हम लोग का टेक्सचर पैक है वो हो चुका है लोड। एंड अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हमारे टेक्सचर पैक में है क्या क्या। सबसे पहले देख लेते हैं गोल्डन एप्पल। तो गोल्डन एप्पल को मैंने अपनी फेवरेट चॉकलेट किटकैट में जो है चेंज कर चुका हूँ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको किटकैट में चेंज कर दिया। ये देख सकते हो, जैसे आप लोग इसको ईट करोगे तो ऐसा एनिमेशन आएगा। एंड ये जो है गोल्डन एप्पल आप लोग खा लोगे बिल्कुल। और जो नॉर्मल एप्पल है नॉर्मल एप्पल की तरह ही है, उसका टेक्सचर चेंज नहीं किया। एंड जो टोटम है उसका साइज़ जो है वो छोटा कर दिया है। एंड जब आप लोग इसको पहनोगे तो जो टोटम की जो स्किन है वो मेरी स्किन से मैच करेगी। देख सकते हो आप लोग, टोटम की स्किन मेरी स्किन से बिल्कुल ही मैच कर रही है। चलो तो अभी देख लेते हैं अपने ओर्स। तो ओर्स जो है नॉर्मल है, बस नेदराइट को थोड़ा सा चेंज कर रहा है। अभी जो है इसमें एनिमेशन नहीं आ रहा होगा, तो मैं अभी एनिमेशन को ऑन करूँगा, पहले बाकी चीज़ देख लेते हैं। तो नेदराइट की जो स्वॉर्ड है उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा है, मतलब थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज़्यादा चेंज किया है। एंड वो कुछ इस तरह की दिख रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड पीवीपी के लिए बहुत अच्छी है। एंड डायमंड की स्वॉर्ड भी थोड़ी सेम ही है, बस इसका जो कलर है आउटलाइन का वो ब्लू है, जो कि डायमंड शॉट के से मैच करता है। एंड नेदरराइट के पिकैक्स ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जो कि मतलब मैंने डिफ़ॉल्ट ही ज़्यादा रखा है, बाकी बीच में हल्का सा डायमंड जैसा लगा दिया है। और जो डायमंड शॉट है उसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ही बहुत ही ज़्यादा चेंज किया है नेदरराइट के शॉट के मुकाबले। और डायमंड शॉट तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगा इस पैक में, और अपना किटकैट चॉकलेट। एंड एक्स को चेंज जो है वो मैंने कर दिया है, भाई निकल जा, ओके निकल गई। एंड ये देख सकते हो जो ये नेदरराइट की एक्स है इसको मैंने टोटली चेंज कर दिया है। डायमंड की एक्स जो है वो बिल्कुल ही सेम है, इसको चेंज नहीं किया। एंड एंडरपर्ल जो है ये एनिमेटेड है, बाकी देख नहीं रहा, देख सकते हो अभी इसमें एनिमेशन नहीं आ रहा। रुको मैं अभी एनिमेशन को ऑन करता हूँ पहले, फिर आप लोग को दिखाता हूँ। एनिमेशन जो है ऑन हो रहा है। एंड ये मोजैंग लोडिंग स्क्रीन जब तक आ रही है तब तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे पता है अभी तक आप लोगों ने नहीं किया होगा, जल्दी से कर दो। तो यहाँ पे हमारा टेक्सचर पैक है जो वो लोड हो चुका है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इफेक्ट्स आ रहा है। एंड हमारे ओर्स भी जो है चमकने लगे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, देख सकते हो। एंड क्रिस्टल्स हैं, तो क्रिस्टल को मैंने डार्क करा है, तो मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया। बाकी प्लेस करने के बाद ये नॉर्मल क्रिस्टल बन जाता है। एंड यहाँ पे वाटर बकेट है वो नॉर्मल है, वो में थोड़े से मैंने चेंजेस करे हैं, जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो पहले हमें इसको टेस्ट करने के लिए हमें एरोज़ की ज़रूरत है होगी, तो मैं पहले एरोज़ ले लेता हूँ। यहाँ पे मुझे एरोज मिल चुके हैं। एंड अब आपको दिखाता हूँ कि जब भी आप एरो यूज़ करेंगे तो साइड में एरो के कलर आ जाएगा, देख सकते हो कुछ इस तरह के कलर आएगा, बाकी और कुछ चेंज नहीं है इसमें। एंड अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आर्मर तो नॉर्मल है, बट इसमें जो क्रिट इफेक्ट है वो मैंने रेड कलर में कर रखा है, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो क्रिट इफेक्ट है वो रेड कलर का है, आप लोग देख सकते हो। एंड जो स्वाइप में तो दिखा नहीं, पता नहीं क्यों स्वाइप, बट जो क्रिट इफेक्ट है वो रेड कलर का है। भाई आर्मर क्यों नहीं लग रहा, ओके आर्मर जो है लग चुका है। एंड ये था मेरा एक छोटा सा टेक्सचर पैक, तो जिसमें अभी ज़्यादा चीज़ें तो है नहीं, बट हाँ अगर आप लोगों को ये भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और इस वीडियो का लाइक है मैं 1K लाइक। एंड अगर इस वीडियो को का जो लाइक है मैं वो कंप्लीट हो जाता है तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं टेक्सचर पैक। तो कमेंट भी कर देना कि वीडियो चाहिए या नहीं टेक्सचर पैक बनाने के ऊपर। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और बारिश भी अभी ही होना था क्या।